हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज जो 7 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसे कोई भी बहुत ही इजीली बना सकता है, बहुत टेस्टी भी हैं, क्विक टू मेक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास पूरे वीक के लिए डिफरेंट ब्रेकफास्ट आइडियाज़ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट रेसिपी से, जो कि है सूपी मैक्रोनी। उसके लिए एक बर्तन में हम डालेंगे सबसे पहले एक पैकेट टोमेटो सूप, कोई भी टोमेटो सूप आप ले सकते हैं, और साथ ही मैंने उसमें डाल दिया है 4 कप के अराउंड पानी। तो जिस तरह से हम सूप बनाते हैं सेम वही मेजरमेंट मैंने यहाँ पे रखा है। बिना फ्लेम पे चढ़ाए पहले विस्कर की हेल्प से उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना रह जाए। उसके बाद उसे फ्लेम पे रखेंगे, जब पानी बॉयल होने लगे तब उसमें डाल देंगे 1 कप मैक्रोनी, और इसे तब तक पकाना है जब तक मैक्रोनी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती, और इसे बीच बीच में चलाते भी रहें ताकि वो बर्तन के साथ चिपक ना जाए। थोड़ा सा डालेंगे हम सॉल्ट और वापिस से इसे कवर कर दें। 4 से 5 मिनट में सूप काफी थिक हो जाएगा और मैक्रोनी भी सॉफ्ट होती हुई दिखाई देगी। अगर आप इससे भी थिक मैक्रोनी खाना चाहते हैं तो आप इसे 2-3 मिनट और पकने दें। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप और साथ ही डाली है ओरिगैनो। तो बस आपकी सूपी मैक्रोनी रेडी है। 10 मिनट में आप डिलीशियस ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है मसाला पराठा। इसके लिए मैंने 1.5 कप के अराउंड गेहूं का आटा लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच अजवाइन, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और जिंजर पेस्ट। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी, और इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद देंगे। अभी रिसेंटली मैंने बिगनर्स के लिए एक वीडियो अपलोड की है जिसमें 7 कुकिंग टिप्स शेयर किए हैं। अब वीडियो में आप देख सकते हैं कि अच्छी रोटी और पूरी वगैरह बनाने के लिए कैसे आटा गूंथते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। बिगनर्स को अगर फिलिंग परांठा बनाने में डिफिकल्टी आती है तो इस परांठे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल इस पे लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद परांठे बनाना शुरू करेंगे। परांठा बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लेंगे, नॉर्मल रोटी के लिए जितना आटा हम लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा, उसे थोड़ा सा रोल करेंगे, सूखे आटे में लपेट के उसकी रोटी बना लेंगे। अब इसे भी हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो नॉर्मल रोटी जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बना के इस परांठे को सेक लेंगे, या फिर थोड़ा सा रोल करेंगे बॉल को और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल सकते हैं, और आप डाल सकते हैं ओरिगैनो, टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसे थोड़ा फोल्ड कर लें यानी कि बंद कर लें और इसको फिर से गोल करके रोटी बेल लें। तवा गर्म हो जाए उसके बाद ही परांठा उस पर डालें, दोनों तरफ से पलट पलट के ऑयल लगा के परांठे को अच्छे से सेक लें, और बस आपका मसाला परांठा रेडी है। इसे आप दही के साथ या फिर अचार कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है वेजिटेबल मैगी। 2 मिनट्स मैगी नूडल तो आजकल बच्चा बच्चा बना लेता है, लेकिन चलिए इसी मैगी को आज थोड़े से डिफरेंट वे में ट्राई करते हैं ताकि इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट आ सके। जब मैंने 2 पैकेट मैगी नूडल लिए थे और 3 मिनट तक इसे पानी में बॉयल किया, उसके बाद छन्नी में निकाल दिया, थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे इस पे ताकि आपस में चिपके नहीं, और एज इट इज इसे साइड रख देंगे। वेजिटेबल्स को कुक करने से पहले एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और 2 अंडे उसमें डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाला, और एक स्क्रैम्बल्ड एग टाइप बना लेंगे। अगर आप एग्स नहीं खाते हैं तो इस पार्ट को टोटली स्किप कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप पनीर का ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसमें पनीर का यूज करने के लिए पनीर को स्क्वायर पीसेस में काट लेना है, थोड़ा सा लेमन डालना है, उस पे सॉल्ट डाला है और रेड चिली पाउडर। पनीर को ब्रेक किए बिना मसाला अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ऐसे ही इसे 5 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद नॉनस्टिक तवा गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 1 बाय 1 सारे पनीर के पीसेस इस पे रखते जाएंगे, दोनों साइड से इनको रोस्ट करना है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप चाहें तो एग का यूज कर सकते हैं या फिर आप पनीर यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप दोनों चीजों का यूज भी कर सकते हैं। चलिए वेजिटेबल्स कुक कर लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है, कटा हुआ अदरक डाला है और प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैंने गाजर डाली है, मटर डाले हैं, हरी शिमला मिर्च डाली है, लाल शिमला मिर्च डाली है, आप अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और साथ में डाल रही हूँ 2 पैकेट मैं मैगी टेस्ट मेकर। बस 2 मिनट के लिए इन वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे, उसके बाद जो मैगी हमने बॉयल करके रखी है वो डाल देंगे, और 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पे सोया सॉस, और एक बार अच्छे से इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है। तो बस अब लास्ट में डालेंगे स्क्रैम्बल्ड एग्स, या फिर आप डाल सकते हैं पनीर, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप चाहें तो दोनों भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो मैगी हम बनाते हैं उससे काफी हटके टेस्ट आता है, आई होप आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, विच इज रवा डोसा। इसके लिए हाफ कप सूजी, हाफ कप चावल का आटा और 1/4 कप मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून लिया है दही का और सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे इसमें 2.5 कप ऑफ वाटर। इस डोसा को बनाना बहुत ही ईजी है, विस्कर की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहें। अब डाल देंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ अदरक और साथ ही धनिया पत्ता, ग्रीन चिलीज डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1.5 कप पानी फिर से डालेंगे। एक बहुत ही वाटरी मिक्सचर रेडी होगा तभी डोसा क्रिस्पी बनेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और कवर करके 20 मिनट तक हम रेस्ट देंगे और इस डोसा को हम इंजॉय करेंगे नारियल की चटनी के साथ। तो फ्रेश कोकोनट लिया है, उसको हम क्रश कर लेंगे, उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, कुछ मूंगफली के दाने, हरी मिर्च डाली है, अमचूर डाला है और सॉल्ट डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लेंगे और आपकी चटनी हो जाएगी रेडी। और अब निकाल लेंगे इसे बर्तन में, लेकिन इसे यूज करने से पहले तड़का भी लगाएंगे, जिसके लिए पैन में 1 चम्मच तेल, मस्टर्ड सीड्स, सूखी लाल मिर्च और साथ ही कुछ कड़ी पत्ता, इन तीनों चीजों को हल्का सा सॉटे करेंगे और उसके बाद डाल देंगे नारियल की चटनी में। इसे आप ग्लास जार में डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं और 8 से 10 दिन तक यूज कर सकते हैं। डोसा मिक्सचर को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब डोसा बना लेते हैं। नॉनस्टिक तवा पे तेल डाला है और हम डाल देंगे वो मिक्सचर। कोई पैटर्न नहीं है इसको डालने का, आप रैंडमली इसको डालते जाएं, ये अपने आप फैलता जाएगा। मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से रोस्ट होने दें, ऊपरी साइड पे आपको नीचे का पोर्शन ब्राउन होता हुआ नजर आएगा, तब इसे किनारे से छुड़ा के फोल्ड कर दें। अगर आप डोसा खाने के शौकीन है लेकिन डोसा बनाना आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप ये डोसा जरूर ट्राई कीजिएगा, इंस्टेंट बनता है और बहुत ही इजीली बन जाता है। ब्रेकफास्ट में आप नारियल की चटनी के साथ या फिर आप सांभर के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए डोसा के बाद बनाएंगे आलू पैनकेक। आलू पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, उनको पहले पील कर लेना है, उसके बाद क्रश कर लेना है। 2 मीडियम साइज आलू से 3 पैनकेक बन जाते हैं। आप इसे निकाल देंगे किसी बॉल में और डाल देंगे इसमें पानी। पानी में इसको 5 मिनट तक हम सोक करके रखेंगे, उसके बाद पतले सूती कपड़े की हेल्प से इसका पानी हम सारा निचोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसे तवे पे बनाना है और कम तेल में बनाना है, तो अगर इसमें पानी रहेगा तो ये साथ में चिपकेंगे। इसके बाद इसे प्लेट में निकाल लेना है और 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें बेसन और 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर। साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, गरम मसाला, जीरा डालेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये मिक्सचर आपको देखने में ड्राई लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ये मॉइस्ट होता जाएगा। जैसे ही ये मिक्सचर सॉफ्ट हो जाए तो हम पैनकेक्स बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए नॉनस्टिक तवे पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे इस पे आलू मिक्सचर का, इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और पकने देंगे। जरूरी नहीं है कि इनकी शेप बिल्कुल गोल आए, तो आप शेप पे फोकस ना करें, बस इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें ताकि ये अच्छे से पक जाएं। मीडियम फ्लेम पे इसे आराम से पकने दें। एक साइड से पकने में इसे तकरीबन 2 मिनट लगेंगे और फिर उसे पलटते हुए दोनों तरफ से सेक लें और हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ इंजॉय करें। नेक्स्ट रेसिपी है दही सैंडविच। इसके लिए हमें बिल्कुल थिक योगर्ट चाहिए, तो 1 घंटा पहले छन्नी में डाल के इसका पानी सारा निकलने दें, उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, क्रश की हुई गाजर, हरा धनिया डाला है, सॉल्ट डाला है और साथ ही डाल दिया है ब्लैक पेपर। आप चाहें तो गाजर स्किप भी कर सकते हैं, प्याज के साथ भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ब्रेड को एक साइड से सेक लेंगे और पलट लेंगे, और जिस तरफ हमने ब्रेड सेक ली है उस तरफ रखेंगे हम 2 चम्मच ये दही का मिक्सचर। एक स्लाइस पे दही मिक्सचर स्प्रेड करेंगे और दूसरा स्लाइस उसी के ऊपर रख देंगे, दोनों तरफ से सेक लेंगे और आपके दही सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं हमारी आज की लास्ट रेसिपी, विच इज़ फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, उनको थोड़ा सा फेंट लेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क, 2 चम्मच डाले हैं मैंने यहाँ पे चीनी के और पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा डाला है वनीला एसेंस और साथ ही इसमें डाल देंगे दालचीनी पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। फोक की हेल्प से अंडों को अच्छे से फेंट लें ताकि शुगर भी इसमें अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। और अब नॉनस्टिक तवे पे डालेंगे थोड़ा सा बटर और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून
टीस्पून ऑयल और इसे पूरे तवे पे बहुत अच्छे से फैला दें। और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे टोस्ट। तो एक स्लाइस हम ब्रेड का लेंगे और उसे हम एग मिक्सचर में डालेंगे और पलट पलट के सब तरफ हम ये मिक्सचर लगा देंगे और उसके बाद रखेंगे इसको तवे पे, सेकते जाएंगे दोनों साइड से और बहुत ही जल्दी बनने वाले हमारे फ्रेंच टोस्ट भी रेडी हो जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट बनाएं ताकि आप कुछ डिफरेंट खाएं। दिन की शुरुआत अगर टेस्टी खाने से हो तो मूड भी अच्छा रहता है। फ्रेंच टोस्ट को अगर आप हनी के साथ खाएं तो और भी टेस्टी लगता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।